अस्सलाम वालेकुम, आज है 27 जून सन 2023 और इस वक्त रात के तकरीबन 8:30 बज रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था लाहौर शहर में, इसलिए मैं लाहौर स्टेशन पहुँचते लेट हो गया। और अभी मैंने ट्रैवल करना है 6 डाउन ग्रीन लाइन पर लाहौर जंक्शन से कराची तक, तो वो ट्रेन बिल्कुल सामने खड़ी है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। कुछ ही देर में मैं उसमें जाके बैठूंगा। बहरहाल मैं आपको बता रहा था आज लाहौर में बहुत ज़्यादा रश था, और उसकी वजह ये है कि परसों ईद है, ईदुल अज़हा, और इस वजह से आज तमाम ही लोग अपने अपने आबाई शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो रोडों पर, बस अड्डों पे और रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा रश है। मैंने भी आज कराची जाना था ईद करने के लिए। जैसे आप मेरे व्लॉग्स देखते ही रहते हैं, मैं हमेशा ईद के त्यौहार अपने जो आबाई शहर है कराची, वहाँ पे मनाता हूँ, और मेरी फैमिली भी कराची में है, तो मैं उनके साथ ईद मनाने जाता हूँ। तो इस वजह से मैं इस दफ़ा भी कराची जा रहा हूँ, और ट्रेन मैंने चूज़ की है 6 डाउन ग्रीन लाइन। और ये ट्रेन चूज़ करने की वजह ये थी कि जब से ग्रीन लाइन रीलॉन्च हुई है नई कोचेस के साथ, मैंने इसका सफ़र दोबारा से नहीं किया, तो सोचा कि ये सफ़र दोबारा कर लेते हैं और देख लेते हैं कि जो इसकी सर्विसेज हैं वो किस तरह की हैं, क्या चेंजिंग आई है उनमें, और क्या सर्विसेज का स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है या नहीं। और दूसरी वजह एक और ये थी कि जो बाकी ट्रेन हैं उनमें बहुत ज़्यादा रश, सब लोग अपने अपने शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो ख़ास तौर पे जो ज़्यादा स्टॉप्स वाली ट्रेन हैं उनमें बहुत ज़्यादा रश है, और ओपन टिकट वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से मैंने ग्रीन लाइन में बुकिंग कराई है, और मैंने AC स्टैंडर्ड चूज़ किया है। AC स्टैंडर्ड चूज़ करने की एक ख़ास वजह यह है कि इसकी कोचेस बिल्कुल नई हैं, जो चाइना से रिसेंटली इम्पोर्ट हुई थी, और उनकी क्वालिटी और बिल्ट बहुत अच्छी है, AC की कूलिंग वगैरह बहुत अच्छी है। तो उसमें चलते हैं, बैठते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। 5 मिनट रह गए हैं सिर्फ ट्रेन के चलने में, तो डब्बा मेरा बिल्कुल सामने ही है 8 नंबर, उसमें चल के बैठते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। किराया भी मैं आपको बता दूं कि AC लोअर का लाहौर से कराची तक 7,150 रुपये, अगर आप 48 घंटे रवानगी से पहले बुकिंग कराएं, और अगर आप 48 घंटे के अंदर बुकिंग कराएंगे तो टिकट में 5% का इजाफ़ा हो जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, आप देख ही रहे होंगे मेरे पसीने छूट रहे हैं, तो इसलिए ठंडी AC कोच में चलते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ग्रीन लाइन को 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाया जाता है, लेकिन आज ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी है, और मेरी किस्मत ऐसी है कि मैं जैसे ही पुल से नीचे उतरा हूँ 8 नंबर कोच बिल्कुल सामने है, तो मुझे इसमें बैठने में कोई परेशानी नहीं हुई कोच ढूंढने में। अब चलते हैं कोच के अंदर और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। 8:36 हो रहे हैं और 6 डाउन ग्रीन लाइन अपने मुकर्रा वक्त पर लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से चल पड़ी है। ये सामने इतना सारा मेल का सामान आप वन अप खैबर मेल के लिए देख रहे हैं, ये उस पर सवार होता है। बहरहाल आज वक्त बहुत कम था, मैं लोकोमोटिव नहीं देख सका, लेकिन विसल मुझे आया था GU40 का। थोड़ी देर में लिस्ट में देख लेते हैं कौन सा लोकोमोटिव आज इसको हॉल कर रहा है, और फिर आगे कल सुबह रोशनी में कहीं देखेंगे कि कौन सा लोकोमोटिव है। सीट्स सारी ऑक्यूपाइड हैं जिस कैबिन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको इसका इंटीरियर भी दिखा दूँ। 6 डाउन ग्रीन लाइन ने अपना सफ़र लाहौर से शुरू कर दिया है, और इसको आज लोकोमोटिव लीड कर रहा है GU40-9051, और लाहौर से लेकर खानेवाल तक इसको खानेवाल का क्रू लीड करता है। और स्पीडोमीटर ऐप के ज़रिए इस वक्त स्पीड शो हो रही है तकरीबन 105-106 किलोमीटर फी घंटा की। GPS सिग्नल्स कुछ वीक हैं, इसलिए बार बार सिग्नल चले जाते हैं, ये कुछ स्टेबल होते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अंदाजे से यही लग रहा है कि ये 105 और 110 के दरमियान क्रूज़ कर रहे हैं। रात के 11 बज रहे हैं और अभी अभी 6 डाउन ग्रीन लाइन में हमें खाना दिया गया।
6 डाउन ग्रीन लाइन में अगर आप लाहौर से कराची तक ट्रैवल करें तो रात का डिनर और सुबह का नाश्ता कॉम्प्लीमेंट्री होता है, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से ये हमें 11 बजे मिला है आज, तो काफ़ी लेट हो गए हैं। कई लोग तो सो भी चुके हैं खाने के इंतज़ार में। बहरहाल मैं जाग रहा हूँ तो अभी खाना खाता हूँ, देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या आज इंक्लूडेड है। सबसे पहले इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। बॉक्सेस को निकालता हूँ, इसको अनबॉक्स कर लिया मैंने। और सबसे पहले इसके पीछे देखें आप, रॉयल स्विस होटल। तो इस ग्रीन लाइन में खाने का कॉन्ट्रैक्ट रॉयल स्विस होटल वालों को मिला हुआ है, लेकिन सर्विसेज थोड़ी सी स्लो हैं। जो एक्चुअल रॉयल स्विस का स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक नहीं लग रही हैं आज। बहरहाल खाना मिला गर्म है, मैं भी इसको टच कर रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ी वार्म्थ फील हो रही है। बाकी इसको खोलते हैं और देखते हैं कि टेस्ट वगैरह कैसा है। एसी लोअर और बिजनेस क्लास के पैसेंजर्स को ग्रीन लाइन में ये खाना प्रोवाइड किया जाता है, और छोटे छोटे पोर्शंस बने हुए और वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। पहला पोर्शन है चिकन बिरयानी का, उसके अलावा दूसरा पोर्शन है दाल का, फिर चिकन हैंडी टाइप की चीज़ है, और एक नान है छोटा सा जिसको 3 पीसेस में काटा हुआ है। स्वीट डिश के तौर पे ये गुलाब जामुन भी दिया गया, और एक चम्मच है और टिशू पेपर। रायता भी हमें प्रोवाइड किया गया था, लेकिन शायद कुछ पैसेंजर्स ने उसमें कंप्लेन की होगी कि वो फ्रेश नहीं है, इसलिए वो उन्होंने वापस ले लिया। हालांकि उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट थी वो काफ़ी आगे की थी, लेकिन अगर प्रॉपर स्टोरेज ना हो तो अक्सर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ख़ास तौर पे जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं। बहरहाल आज रायते के बग़ैर ही डिनर करते हैं। काफ़ी लोग सो रहे हैं इसलिए हम बड़े आराम से सुकून से डिनर कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले बिरयानी ट्राई करता हूँ। बिरयानी गुजारे लायक है, काफ़ी फीकी बिरयानी है, लेकिन सफ़र के दौरान ठीक है। अब ट्राई करते हैं ये नान के साथ चिकन हांडी। ये काफ़ी मज़ेदार है, गुड। पोर्शन भी काफ़ी मुनासिब है, एक नॉर्मल बंदे का पेट इसमें भर सकता है, और मेरे जैसे के लिए शायद थोड़ा कम हो, लेकिन फिर भी क्योंकि आज मैं घर से थोड़ा बहुत डिनर करके आया था इसलिए अभी तक 11 बजे तक थोड़ा कंट्रोल करके बैठा हुआ था, वरना तो काफ़ी मुश्किल हो जाती। चलें, बहरहाल अब मैं बाकी का खाना एंजॉय करता हूँ और मिलता हूँ आपसे खाने वाल पर। रात के 12:15 हो रहे हैं और खाने वाल जंक्शन पहुँच गई है, 6 डाउन ग्रीन लाइन। खाने वाल जंक्शन के स्टॉल्स पर रश वैसा ही है, हालांकि ग्रीन लाइन में खाना तो प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन फिर भी स्टॉल्स का अपना अलग ही मज़ा है। लोग सोन हलवा ख़रीद रहे हैं, तो कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो कोई चाय। 9037 के साथ एक ट्रेन भी इधर अराइव कर रही है, अब कौन सी ट्रेन है इसका भी अंदाज़ा नहीं है। तो कुछ ये मनाजिर हैं खाने वाल जंक्शन के। आज के सफ़र में अम्मार भाई से भी मुलाकात हुई है, जो कि लोधरा से बिलोंग करते हैं और अभी बावलपुर तक जा रहे हैं, तो उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मार भाई, कैसे हैं आप? सर ईद मनाने जा रहे हैं? ईद मनाने के लिए। तो क्या करते हैं आप लाहौर में? बेसिकली मैं लाहौर जॉब करता हूँ, तो मेरा घर लोधरा है, तो ग्रीन लाइन का स्टॉप सिर्फ बहावलपुर तक है, तो बहावलपुर के थ्रू
प्रीमियम ट्रेन है, इस वजह से ये भी मैं थोड़ा सा एक प्रिविलेज लेना चाह रहा था। लेकिन बेसिकली मैं लोधरा से हूँ, लेकिन जॉब में बहुत सही। अच्छा ये बताएं, अभी तक जो आपने लाहौर से खाने वाल तक का सफ़र किया है, तो ग्रीन लाइन की जो सिग्नेचर प्रीमियम सर्विसेज हैं वो आपको कैसी लगी, क्या आपने महसूस किया उसके बारे में? ओवरऑल दूसरी जो ट्रेन हैं उससे तो बेटर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसको तो हम मानते हैं कि बेहतर है। लेकिन एक ये है कि जिस हिसाब से प्राइस चार्ज की जा रही है उस हिसाब से समटाइम्स ये देखा जाता है कि क्वालिटी वैसी नहीं आती, और ये कस्टमर्स का इशू भी है, क्योंकि बहुत मुश्किल से लोग ट्रेन की तरफ आ रहे हैं। लोग बहुत इंकरेज कर रहे हैं, हमारे रेलवे मिनिस्टर ने भी बड़ा इंकरेज किया, आप लोग ब्लॉगर्स ने भी बड़ा इंकरेज किया, लेकिन फिर भी एक इशू आ रहा है कि जब वो सर्विस देखते हैं कि इतनी अच्छी नहीं है, फिर उनके लिए एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है। मुझे लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमारे पास एक अच्छी एक ट्रेन है जो कि प्रीमियम ट्रेन है, लेकिन अगर बेहतर होगा कि अगर इसको और इम्प्रूव किया जाए। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है वो सर्विस ही लगती है। अभी लगता है कि सर्विस वैसी नहीं है, जैसे कि आज आपने खुद एक्सपीरियंस किया फूड के मामले में। हाँ ये एक अनयूजुअल है कि नॉर्मली इतना रश नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक अच्छी क्वालिटी दें, सर्विस अच्छी दें, तो रोज़ाना इस तरह ही रश होगा। और ये जो हमारा एक आजकल रेलवे में बड़ी एक डिबेट चल रही है कि जब हम लॉस में जा रहे हैं, कि जी एक मैंने न्यूज़ में सुना था कि 14 से 15 करोड़ पर डे अर्निंग है और 17 से 18 करोड़ हमारी कॉस्ट आ रही है, जो हमारे एक मिनिस्टर ने कॉट भी किया था। तो बेटर ये होगा कि हम अपनी इस सर्विस को और बेटर बनाएं। ये अच्छी ट्रेन है, सर्विसेज और बेहतर बनाई जा सकती है, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है देखा जाए इस लिहाज से कि खाना सर्व किया जा रहा है आपको, बेडिंग वाली सर्विसेज है। कॉस्ट पे काम करना चाहिए कि मैं एक बस पे ट्रैवल करता हूँ रेगुलरली, मैं 1900-2000 का टिकट भरता हूँ लोधरा से एक लाहौर का बहावलपुर करने चले। अगर ट्रेन में मुझे एग्जैक्टली वैसा मिल रहा है और क्वालिटी गिरी हुई है, तो मैं क्यों ट्रेन पे जाऊँगा जो कि 7 घंटे का सफ़र है या 8 घंटे का सफ़र है। तो अगर ऐसा हो जाए कि एटलीस्ट कॉस्ट कम कर दी जाए, क्योंकि ये भी एक वजह है लोगों की अट्रैक्ट होने की, तो अगर कॉस्ट कम हो जाए तो ये भी बड़ा मैटर हो सकता है। बहुत शुक्रिया मार भाई, थैंक यू सो मच। खाने वाल जंक्शन रेलवे स्टेशन आने से कुछ देर पहले ये बेडिंग भी दे दी गई थी, जो कि इस तरह के पैकेट में आई थी, और इसको जब खोलें तो इसके अंदर से एक अंडरशीट मिलती है जो कि आप अपनी बर्थ पे बिछा सकते हैं। इसके अलावा पिलो का एक कवर होता है जो आप पहले से दिए गए तकिए पे चढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा एक और चादर होती है जो आप ओढ़ सकते हैं। पहले जब ये ट्रेन नई नई चली थी तो इसमें ब्लैंकेट्स भी दिए जाते थे, लेकिन अब ब्लैंकेट्स को शीट से रिप्लेस कर दिया गया है। तो अगर आपको ज़्यादा सर्दी लगती है तो अपना ब्लैंकेट अपने साथ लेकर आएं। सुबह के 6:37 हो रहे हैं और इस वक्त मैं रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरा हूँ। ट्रेन यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट पहले से आई हुई है और अपने मुकर्रा वक्त से कुछ पहले ही यहाँ पे पहुँच गई थी। अभी ट्रेन में पानी वगैरह भरा जा रहा है और कुछ ही देर में ये यहाँ से आगे रवाना होगी। कल जब खानेवाल से रवाना हुए थे आगे, उस वक्त मैं जाके सो गया था, बेडिंग वगैरह हमें मिल गई थी टाइम पर, बहुत ही कंफर्टेबल नींद रही मेरी क्योंकि कूलिंग बहुत ही मुनासिब थी और बहुत अच्छी मैंने नींद की। अभी थोड़ा वक्त था तो सोचा लोकोमोटिव देख लें, तो अभी मैं लोकोमोटिव की तरफ जा ही रहा था कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन GU40 9050 लोकोमोटिव के साथ पहुंच रही है, और ये ईद स्पेशल ट्रेन है जो कि कराची से चली है कल। इस ईद स्पेशल ट्रेन में लोग जा रहे हैं अपने अपने घरों को ईद मनाने के लिए, और फुल लग रही है ये ट्रेन। आमतौर पे ईद स्पेशल ट्रेन्स की कवरेज मैं कराची से करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं ख़ुद कराची आप कह लें ईद से बिल्कुल एक दिन पहले ही पहुँच रहा हूँ, तो उसको कराची सिटी या कैंट स्टेशन से कवर करने का मौका नहीं मिला। बहरहाल अब मैं अपने लोकोमोटिव के पास पहुंच गया हूं, 6 डाउन ग्रीन लाइन के, और मैंने आपको रात को बताया था GU40 9051 इसको लीड कर रहा है। 6 सिग्नल भी डाउन हो चुका है, लेकिन अभी शेड्यूल टाइम से डिपार्चर में 15 मिनट हैं,
तो ये अपने मुकर्रा वक्त पे ही रवाना होगी आगे। बहुत ही ज़बरदस्त लोकोमोटिव, अमेरिका से दरामद शुदा और 4500 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव्स हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ के फ्लीट में बीस्ट की हैसियत रखते हैं। ज़बरदस्त, अपने मुकर्रा वक्त पर ट्रेन रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई है और बड़ी अच्छी बात है कि इसमें कोई डिले नहीं है। तो एक लिहाज से तो ग्रीन लाइन प्रीमियम ट्रेन है ही, और वो टाइम मैनेजमेंट है, जबकि सर्विसेज के लिहाज से आप कल से देख ही रहे हैं कि थोड़ा सा डाउनफॉल ज़रूर आया है, लेकिन मेरे ख़्याल में शायद रश ज़्यादा है उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो स्टाफ है वो कम है और रश ज़्यादा है। बहरहाल अब कुछ ही देर में नाश्ते का वक्त हो जाएगा, तो देखते हैं कि आज नाश्ते में ये क्या देते हैं। सफ़र जारी है और बाहर के मनाजिर में आप देख सकते हैं पानी खड़ा है काफ़ी ज़्यादा। कल रोड़ी में और सक्कर में बारिश हुई है काफ़ी तेज़, जिसकी वजह से ये जमा हुआ पानी नज़र आ रहा है। ट्रेन की स्पीड काफ़ी स्लो है और आपको जैसे मालूम है कि खानपुर जंक्शन से लेकर टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन तक ट्रैक जो है वो कोई इतना ख़ास नहीं है। ट्रैक कंडीशन काफ़ी डिप्लेटेड है, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम स्पीड है वो काफ़ी कम अलाउड है। बहरहाल अभी थोड़ी देर पहले जो ग्रीन लाइन ट्रेन का कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ है वो ये मॉर्निंग किट दे के गए, तो इसका रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ और ये भाई मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ये थोड़ी सी हेल्प करेंगे मुझे अनबॉक्सिंग में। सबसे पहले तो ये कंघा है, आप बाल वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा डेंटल किट है, डेंटल किट के अंदर एक टूथब्रश और टूथपेस्ट। इसके अलावा शेविंग किट, अगर आपने शेव करनी हो तो उसमें रेज़र और थोड़ी सी शेविंग क्रीम मौजूद है। कुछ चीज़ें इसमें अब लगता है कि कम कर दी गई हैं। जब शुरू शुरू में मैंने ट्रैवल किया था तो मुझे याद है उसके अंदर एक शो मेट भी होता था। तकरीबन 7:30 हो रहे हैं और अब नाश्ता प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है ट्रेन में। अभी कुछ ही देर पहले मेरे पास दो तरह के नाश्ते आए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये सेट है और दूसरा ये सेट। अभी मुझे बताया गया है कि जो कराची से लाहौर और रावलपिंडी के लिए 5 अप ग्रीन लाइन ट्रेन आती है उसके अंदर ब्रेड और उसके साथ ही जैम, ब्लू बैंड और ऑमलेट, ये नाश्ता दिया जाता है। जबकि 6 डाउन ट्रेन जो कि रावलपिंडी से लाहौर और कराची के लिए जाती है उसमें पराठा और ऑमलेट ये दिया जाता है। तो अब ये वजह नहीं पता कि दोनों 5 अप और 6 डाउन के लिए अलग अलग तरह के मेन्यूज़ क्यों हैं। बहरहाल जो अरशद भाई यहाँ के डाइनिंग कार मैनेजर हैं उन्होंने मुझे दोनों तरह के नाश्ते अभी दिए हैं कि आप दिखा दें और अपने व्यूअर्स को बता दें कि ये पॉलिसीज़ हैं आजकल। एसी स्टैंडर्ड कोच की इंटीरियर का रिव्यू कर लेते हैं। काफ़ी देर बाद मुझे मौका मिला है क्योंकि मैं जहाँ पे बैठा था वो तो ऑक्यूपाइड था पूरा कैबिन, तो आपको सही तरीके से इसका इंटीरियर नहीं दिखा सकता था। अभी मुझे थोड़ी देर पहले डाइनिंग कार मैनेजर साहब ने बताया कि एक कैबिन खाली है, उसमें जो लोग थे वो रोड़ी जंक्शन पे उतर गए थे, तो अब वहाँ पे आके अपना जो है इंटीरियर का रिव्यू कर लें।
तो अब देख लेते हैं। ये 24 से लेके 29 वाला कंपार्टमेंट है, 6 बर्थ्स होती हैं इसके अंदर। इसके ऊपर बेडिंग भी लगा दी है मैंने, जो कि इनके कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको जब भी सफ़र करना हो ग्रीन लाइन में, अगर बेडिंग नहीं मिली तो आप उनसे मांग सकते हैं। ये चार्जिंग सॉकेट्स हैं और बिल्कुल सही काम कर रही है। आप इधर यूएसबी भी लगा सकते हैं और अपना जो चार्जर है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि इसमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती, तो आप जो हाई यूजेज वाली चीज़ें जैसे इस्त्री वगैरह वो इसमें ना लगाएं। अगर वो लगाएंगे तो जो पावर वैन है वो ट्रिप कर सकती है। इसके अलावा ये स्टडी लाइट्स हर बर्थ के साथ होती हैं, ये भी बिल्कुल सही काम कर रही हैं। जैसे रात को किसी ने सोना है वो अपनी मेन लाइट बंद करेगा, लेकिन किसी ने कुछ पढ़ना है तो वो अपनी इंडिविजुअल स्टडी लाइट को ऑन कर सकता है और उसको एडजस्ट भी कर सकता है। तो इंटीरियर तो बहुत अच्छा है एसी लोअर कोच का, और अल्लाह का शुक्र है कि मेंटेन्ड है अभी तक। पंखा भी इसमें दिया हुआ है, वैसे तो एसी कोच है लेकिन फिर भी फ़ैन प्रोवाइडेड है। कभी कभी एसी आहिस्ता काम करता है तो पंखा चला सकते हैं बेटर एयर सर्कुलेशन के लिए। बहुत ही आरामदेह पुरसकून सफ़र है। पैसेज वाली सीट्स भी इसकी बहुत ही कंफर्टेबल है। ग्रीन लाइन में अगर आपने ट्रैवल करना है तो कोशिश करें कि एसी स्टैंडर्ड में ही करें, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कोचेज़ हैं। इसका एसी भी बहुत अच्छा काम करता है, जबकि जो एसी बिज़नेस की कोचेज़ हैं उनको नई लाइब्रेरी के साथ पेंट करके इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो मेरे ख्याल में एसी स्टैंडर्ड से कम ही है। सफ़र जारी है और चार्जिंग वगैरह की फैसिलिटीज़ थी तो मैंने सोचा कुछ काम भी कर लिया जाए। वीडियो एडिट कर रहा था मैं, और अभी अभी चाय दे के गए हैं ये। सुबह नाश्ते के साथ चाय भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है और दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। जो टी और कॉफ़ी मशीन होती है उससे बनी हुई लग रही है ये, तो ये ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसी चाय है। चाय गर्मा गर्म, धुआं उठ रहा है, ये अच्छी बात है। चाय बहुत ही ज़बरदस्त है और ये डेफिनेटली उसी से बनी है जो टी एंड कॉफ़ी मशीन है। इसमें इलायची का जायका भी आ रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिफ़्रेश कर दिया। और जो थोड़ी बहुत कमी थी वो इस चाय से पूरी हो गई। दोपहर के 12:05 हो रहे हैं और हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गई है 6 डाउन ग्रीन लाइन। नॉर्मली डाउन ट्रेन्स को दूसरे प्लेटफॉर्म पे लगाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये प्रीमियम ट्रेन है इसको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भेजा गया है। यहाँ से मुसाफिरों को एग्ज़िट करने में भी आसानी होती है, वरना अगर दूर वाले प्लेटफॉर्म पर लगें तो फिर पुल का इस्तेमाल करना पड़ता है। काफ़ी लोग इधर उतरने के लिए तैयार हैं। तकरीबन 5 मिनट से हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुके हुए और ट्रेन काफ़ी हद तक खाली हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे उतर गए। एक आरामदेह और पुरसकून सफ़र गुजर रहा है, सिवाय जो सर्विसेज में डिले रात में देखने को आए थे उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोचेस की हालत बहुत अच्छी है, एसी की कूलिंग परफेक्ट है। सिर्फ अगर जो सर्विसेज में डिले आया उस पर अगर काबू को पा लिया जाए तो मैं कहता हूँ इससे अच्छी ट्रेन और कोई नहीं है। मैं इस वक्त अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि वो आज ही आपको मिल जाए जो मैंने पिछला सफ़र किया था, और यहाँ पे अभी शहर में रुकी है ट्रेन तो बहुत अच्छी अपलोडिंग स्पीड आ रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज ही वो वीडियो मैं पब्लिश कर दूँगा।
बाकी अब थोड़ा सा सफ़र रह गया हैदराबाद जंक्शन से लेकर कराची तक, और मैं मोस्ट प्रोबेबली ड्रिग रोड जंक्शन पर उतरूंगा क्योंकि कराची में मेरे घर से करीब है। तो इस बाकी थोड़े से सफ़र को एंजॉय करते हैं और एसी स्टैंडर्ड की नई कोचेस की कंफर्ट को आखिरी वक्त के लिए एंजॉय करते हैं अगले सफ़र तक। दरियाए सिंध से गुजरने लगी है ग्रीन लाइन 6 नाउन। हैदराबाद से कराची तक का सफ़र तकरीबन 2.5 घंटे में तय होता है और ये पूरा सेक्शन ऑटो ब्लॉक सिग्नलिंग के ऊपर काम करता है। अगर ऑटो ब्लॉक सिग्नलिंग में कुछ इशू आ जाए तो फिर ये वक्त ज़्यादा भी हो जाता है। थोड़ी थोड़ी भूख भी लगनी शुरू हो गई है और मैंने एक ऑर्डर मंगवाया है, वो आ जाता है तो आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है। इस वक्त बलारी रेलवे स्टेशन के आसपास है और ये मैंने जो ऑर्डर किया था वो आ चुका है। बड़ी अच्छी पैकिंग है, इस पर ट्रेन बनी हुई है और साथ में रॉयल स्विस होटल का नाम लिखा है। एक टिशू भी दिया गया साथ ही रॉयल स्विस का। तो मैंने मंगवाए थे 5 हॉट विंग्स, ये डील बनती है 290 रुपये की। आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। एक केचप है, चिली गार्लिक सॉस और साथ में 5 हॉट विंग्स। विंग्स का साइज़ काफ़ी छोटा है, मुझे लगा था शायद वो जो हॉट विंग्स होते हैं डबल साइडेड वो होंगे, लेकिन ये सिंगल साइडेड हॉट विंग्स है। लेकिन चलें, भूख लगी हुई थी तो आज ही इसका लंच भी कर लेते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक का कैन भी मैंने मंगवाया है जो कि 120 रुपीज़ का है, वो भी आ जाता है तो फिर अपना लंच शुरू करते हैं। हॉट विंग्स, हैं तो बहुत क्रिस्पी और बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश फ्राइड हैं, जो अच्छे लग रहे हैं। कीमत थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझे, लेकिन चलें फिर भी ट्रेन है, ट्रेन में कीमतें यूजुअली ज़्यादा ही होती हैं, लेकिन ये कि अच्छी क्वालिटी का खाना है। गुड। एक मालगाड़ी गुजर रही है उधर से और मेरा कैन भी आ गया। 7 अप का कैन मंगवाया था मैंने, लेकिन ये पेप्सी का कैन है क्योंकि 7 अप का कैन शायद ख़त्म हो गए थे। बहरहाल, हॉट विंग्स 290, पेप्सी कैन 120, तो एक लाइट स्नैक के लिए मुनासिब है। तो ये आप जहन में रखें, अगर आप 6 डाउन ग्रीन लाइन में आ रहे हैं रावलपिंडी या लाहौर से, तो अगर आप रावलपिंडी से बैठे हैं आपको पहले शाम में एक हाइटी टाइप की चीज़ दी जाएगी जिसमें चाय समोसा वगैरह होता है। उसके अलावा फिर लाहौर से जब ट्रेन चलेगी तो आपको रात का डिनर दिया जाएगा। कभी कभी उसमें देर सवेर भी हो जाती है, जैसे कल मुझे रात को 11 बजे खाना मिला। इसके अलावा फिर सुबह आपको नाश्ता मिलेगा जिसमें पराठा और अंडा होगा और चाय होगी। उसके बाद फिर कराची तक कोई मील इंक्लूडेड नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद अगर कुछ आपने ऑर्डर करना है तो वो आपको पे करना होगा, जैसे मैंने ये हॉट विंग्स और कैन ऑर्डर किया। तो ये एंजॉय कर रहा हूँ और फिर देखें कब ड्रिग रोड जंक्शन पहुँचते हैं। दोपहर के 2:13 हो रहे हैं और इस वक्त कराची के लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से गुजरने लगे हैं। तकरीबन 1 घंटा लेट है ट्रेन, वही जितनी हैदराबाद पे थी, वहाँ से अपना इसने टाइम मेंटेन किया और 2:13 पे लांडी से थ्रू पास कर रही है। इसका लांडी पर स्टॉप नहीं है 6 डाउन ग्रीन लाइन का, जबकि ड्रिग रोड जंक्शन पर इसका स्टॉप है और वही मेरा आज का
आखिरी मेरी आज की आखिरी मंजिल होगी, वहाँ पर मैं उतरूँगा और अपने सफ़र का अख्ताम करूँगा। तो चलें ग्रीन लाइन के सी स्टैंडर्ड कोच पे आखिरी नज़र डालते हैं और बमा अपने सामान दरवाजे के पास चलते हैं। बकरा ईद से एक दिन पहले मैं कराची अपने आबाई शहर पहुंच रहा हूं और बड़ी खुशी है कि जस्ट इन टाइम ईद से एक दिन पहले मैं अपने शहर कराची पहुंच गया हूं और अपनी फैमिली के साथ ईद मनाऊंगा। इस वक्त काला बोर्ड के एरिया से गुज़र रहे हैं और ये जो जगह है काला बोर्ड, ये मेरी बचपन की हसीन यादों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर मेरा मैट्रिक का स्कूल भी हुआ करता था जहाँ से मैंने मैट्रिक किया। तो बड़ा अच्छा लगता है जब भी यहाँ से ट्रेन गुज़रती है। कुछ ही देर में ट्रिक रोड जंक्शन आ जाएगा तो वहाँ पे उतर के मिलते हैं। दरवाज़ों पे रश लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, जिस साइड पे प्लेटफॉर्म आना है तो अराइवल हो सकता है प्लेटफॉर्म का कैप्चर ना हो सके। तो ड्रिक रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उतर के बात करते हैं। इस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और ड्रिक रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 6 डाउन ग्रीन लाइन पहुंच गई है और मैं भी उतर चुका हूं। बड़ा अच्छा सफ़र रहा मेरा और जो ग्रीन लाइन की लग्जरी और कंफर्ट है वो मैंने महसूस की इस सफ़र में। सिर्फ एक चीज़ जिसे कह लें कि आप इम्प्रूव कर लें तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा ये सफ़र, और वो टाइमली प्रोविज़न ऑफ फूड है, क्योंकि कल जब रात को 11 बजे तक खाना नहीं मिला था तो काफ़ी लोग परेशान थे। बींग अ रेल फैन मैं तो शायद इन चीज़ों को बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन जो लोग कंफर्ट के लिए और अच्छे सफ़र के लिए ज़्यादा पैसों के टिकट देकर सफ़र करते हैं वो लोग शायद इस चीज़ को बर्दाश्त ना कर सकें, लेकिन उम्मीद है कि इन चीज़ों पर काबू पा लिया जाएगा। अब 6 डाउन ग्रीन लाइन अपनी आखिरी मंजिल कराची कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो रही है। 9051 के साथ सफ़र बहुत अच्छा रहा। आज के सफ़र में मैंने आपको स्टेशन स्किप्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक थोड़ा सा लग्जरियस सफ़र करना चाह रहा था जिसमें आराम से बैठ के और ठंडे ठंडे एसी में सो कर अपना सफ़र गुजारना था मुझे, और बिल्कुल मैंने ऐसे ही किया। अभी मैं कराची में उतरा हूँ तो एकदम से शदीद गर्मी का एहसास हो रहा है और पसीना आने लग गया है दोबारा से। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आपने इस छोटे से सफ़र को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई जगह रेल फैनिंग के साथ हाजिर होऊंगा। मेरी तरफ़ से आप सबको बकरा ईद मुबारक। कल बकरा ईद है इंशाल्लाह ताला, उम्मीद करता हूँ कि सबकी अच्छी गुजरेगी और जो उसकी तालीमात हैं इस फेस्टिवल की उस पर हम सब अमल भी करेंगे। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद। जाते जाते एक सरप्राइज़ एक्शन, मैंने अभी कैमरा बंद नहीं किया था, ज़बरदस्त
विसल्स के साथ एक ट्रेन थ्रू पास करने लगी है। अल्लाह हाफिज़।